अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं जुनेद हलीम। पहले एक नजर दुनिया हेडलाइंस पर। सानिहा कोहिस्तान में मुलव्वस अफराद की निशानदेही हो चुकी है, बैरूनी हाथ भी मुलव्वस है। रहमान मलिक का मुलजिमों की फहरिस्त मकामी जगहों को देने का ऐलान। बेनजीर भुट्टो कत्ल केस में पेशरफ्त, हमले में शहीद कारकुनों की बेवाओं की मुकदमे में फरीक बनने की दरखास्त मंजूर। पाकिस्तानी सफीर शेर रहमान की अमरीकी नायब वजीर खारजा थॉमस नाइट से मुलाकात, बलोचिस्तान से मुतल्लिक कांग्रेस की करारदाद पर तहफुजात का इजहार। मेहरान बैंक स्कैंडल में मुस्लिम लीग नून की क्यादत पर इल्जाम बेबुनियाद हैं, वजीर कानून पंजाब राणा सनाउल्ला इल्जाम का हर फोरम पर दिफा करने के लिए पुरअज़्म। मंजूर माई अगवा केस, मुजफ्फरगढ़ की अदालत ने 5 मुलजिमान को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मैट्रिक इम्तिहान में नकल का इल्जाम, फैसलाबाद में गिरफ्तार 35 तलबा की आज अदालत में पेशी, 3 इम्तिहानी मराकज का अमला मुअत्तल। वादी सवात के दिलफरेब सियाहती मकाम मालम जब्बा में बर्फबारी, स्नो फेस्टिवल के आखिरी दिन रौनकें दोबाला हो गईं। एशिया क्रिकेट कप कल से बांग्लादेश में शुरू होगा, पाकिस्तान और मेजबान बांग्लादेश दोपहर 1 बजे मैदान में उतरेंगे। मैक्सिको के समंदर में ग्रे वेल की तादाद में मुसलसल इजाफा, 70 साल जिंदा रहने वाली ग्रे वेल 52 फुट तक लंबी होती है। और चोपड़ा प्रोडक्शन हाउस और सलमान खान के दरमियान कुर्बतें बढ़ने लगी, दबंग हीरो ने नई फिल्म के लिए शाहरुख खान से 1 रुपया ज़ायद मुआवजे का मुतालबा कर दिया।